दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जो सरकारी मीटर लगे होते हैं पोल पर उसमें जो रीडिंग होती है वो कैसे चेक करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं जो डिजिटल मीटर आजकल आ रहे हैं उनमें रीडिंग कैसे चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एक पुश बटन दिया होता है, जो डिजिटल मीटर होते हैं उनमें पुश बटन दिया होता है, तो उसमें अलग अलग प्रकार की जो इसमें जो चीज़ें आती है मतलब अलग अलग पॉइंट आते हैं जो डिजिटल टाइप के लिखे होते हैं, यानी कि जब लाइट मीटर के अंदर तभी वो देंगे। तो हमें क्या करना है, उस स्विच दिया हुआ है पुश जो दिया हुआ है उस पुश बटन को हमें बार बार क्या है ऑन करना है, यानी दबाना है अंदर। जैसे आप तो दोस्तों एक लिखेगा KWH, ठीक है, तो आप देख लीजिए ध्यान से, इसमें यहाँ पर जो KWH लिखा हुआ है, KWH दोस्तों जो एक्चुअल रीडिंग होती है, यानी कि जो जो तत्काल की रीडिंग होती है, यानी उस समय की जो रीडिंग होगी वहाँ पर जो KWH लिखा होगा वहाँ पर वो ही जो है वो तत्काल की यानी कि उस समय की जो है वो रीडिंग होगी। देखिए दोबारा आपको बता देते हैं, इसको आप क्या करेंगे, दोबारा से आप जैसे प्रेस करेंगे, क्योंकि यह ऐसे नहीं दिखाएगा, जब आप इस स्विच को प्रेस करेंगे तब आपको यह दिखाने वाला है। तो देखिए उसके बाद में इसमें क्या क्या होता है वो आपको बता देते हैं। दोस्तों इसमें आपको वोल्ट भी दिखाएगा, कितने वोल्ट लाइट आ रही है यहाँ पर इसमें, और उसके बाद में यह काफ़ी चीज़ें जो और भी बताने वाला है, जिस तरह की कितने एम्पेयर ले रहा है, और उसके बाद में यह भी दिखाएगा कि इसमें कहीं कोई अर्थिंग यानी कि कोई घर में अगर आपके कोई सामान ख़राब हो गया हो या फिर कोई अर्थिंग हो गई हो कोई सामान, तो उसमें क्या है कि यहाँ पर यह जो इंडिकेटर है, एक और इंडिकेटर यहाँ पर दिया होता है वो ब्लिंक करने लग जाएगा, या फिर अर्थिंग का जो है वो सिग्नल जो है यह वह दिखाने लग जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, उस समय आपको क्या करना है कि आपको घर पर सारे जो सामान है बिजली के वो चेक कर लेने, और चेक करने के बाद आपको इसको सही से यानी कि चेक करना है मीटर को, मीटर सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि अर्थिंग अगर दोस्तों आपके घर में रहती है, अगर आपको समय पर उसको सही नहीं करवाते हो तो बिल है जो बिजली का वो ज़्यादा आने वाला है। तो आप समय समय पर उसको चेक कर लें कि कहीं पर ये अर्थिंग वाला जो इंडिकेटर है मेन मीटर में वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आपको दोबारा बता देते हैं कि मान लीजिए आपके घर में जो मेन मीटर लगा हुआ है पोल पर, उसमें जो रीडिंग है वो कैसे आपको चेक करनी है। उसको चेक करने के लिए दोस्तों आपको जो पुश बटन होता है इसमें, उस पुश बटन को आप एक बार दबा दीजिए, और दबाने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप एक बार वेट करना है, और जहाँ पर भी KWH लिखा हो, यानी किलो वाट पर आवर्स के नाम से इसको बोलते हैं, जहाँ पर ये लिखा हो वहाँ पर आपको एक बार रुक जाना है और उसकी फ़ोटो आपको खींच लेनी है। तो वही जो जो ये रीडिंग होती है, जो एक्चुअल जो रीडिंग निकलती है यानी तत्काल की उस समय की जो रीडिंग होती है, जो जिससे बिल हमें देना होता है वो यहाँ पर आई होती है। तो आप इसमें समझ जाइए कि आपकी जो रीडिंग है ये एक्चुअल में ये है, और आपको जो बिल है वो इसी का आना चाहिए। तो जब भी आपका जो लाइन मैन या फिर जो भी रीडिंग लेके जाता है, तो आप उसमें आप इसको मैच भी कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो लाइन मैन होता है वो आईडीए से जो है वो रीडिंग ले लेता है, और फिर बाद में आपको पता चलता है कि ये जो रीडिंग है ये इतनी कैसे आई है, यानी कि जो बिल है बिजली का वो ऐसे कैसे आ गया इतना, क्योंकि आपको लगता है कि इतना बिल तो आने वाला था नहीं। तो जिस समय मान लो क्या होता है कि बिजली नहीं होती है, तो ये मीटर जो है वो मीटर जलते नहीं है, और मीटर जब नहीं जलते हैं तो लाइनमैन जो आता है यानी कि जो बिजली का जो बिल देने वाला बंदा होता है या जो रीडिंग लेने वाला बंदा होता है, जो लाइनमैन होता है जो बिजली, वो क्या करता है कि अपना जो रीडिंग होता है वो आईडीए से इसमें नोट कर लेता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको जो जानकारी दी है वो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्यारा सा एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ, धन्यवाद।